पटना में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चार लोगों की जान लेने वाले इस हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पटना में एक बेकाबू बस पलट गई, चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। पटना के अगम कुआं क्षेत्र में हादसा हुआ, इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। आज हादसे के बाद घायलों को पटना के दो अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे की शिकार बस पटना से दलसिंह सराय जा रही थी, शहर से बाहर निकलने से पहले ही हादसा हुआ। ये बस काफी तेज रफ्तार में थी, जिस पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि बस पहले बिजली के खंभे से टकराई, फिर लोगों को रौंदते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और इसमें ज्यादा लोग सवार थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में भी देखेंगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट है निश्चित रूप से, और जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है काफी लोगों की जान बच गई है, नहीं तो काफी भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अभी 3 से 4 का कंफर्म्ड हुआ है, 25 के लोगों को निकाल के भेजा गया है यहाँ से और उनको बचाया गया है।